जादू की पोटली हमारे हाथ लग जाए और वो पोटली हमें बना दे रातों रात धनवान, ये होता है क्या? अभी आप सोचेंगे दीदी मजाक कर रही है, अब इस जमाने में टीवी सीरियल्स मूवी में जो दिखाते थे अचानक से कोई पोटली हमें मिल गई और वो जादुई पोटली हमें करोड़पति बना दी, ऐसा नहीं होता है। परंतु मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है, ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये कोई सीरियल्स का पार्ट नहीं है। आप स्वयं बना सकते हैं अपने लिए एक जादू की पोटली, जादू की पोटली जिसे कहते हैं धनवर्षा पोटली। और फिर देखिए, जब धनवर्षा पोटली आप अपने घर में रख लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में ही होगी, यह सत्य है। देखो, बहुत सारे कारण होते हैं गरीबी के, दरिद्रता के, जैसे बहुत सारे कारण अमीरी के भी होते हैं। पहला आपके बर्थ चार्ट में ही है आपका अमीर होना, आपका करोड़पति होना। तो आप बिल्कुल निम्न वर्ग के परिवार में जन्म लेने के बाद बिना कोई सुख बिना कोई सुविधा में बड़े हुए आप, परंतु आपका भाग्य है, आपका आपका सूर्य ऊंचा है, आपका गुरु पर्वत इतना मजबूत है कि करोड़पति होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बड़े बड़े राजनेता बनेंगे, आप बहुत ऊंची पदवी पर प्राप्त करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। यह प्रथम बात हो गई, सबके हिस्से की बात नहीं होती। दूसरी, हस्तरेखा, यदि मध्य मणिबंध से होकर सीधे एक रेखा उठती है और सूर्य पर्वत पर बिना कटे फटे टूटे चढ़ जाती है, तब समझिए करोड़पति होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, सौभाग्य आपके कदम चूमेगी, ये भी सबकी नहीं होती बात। तीसरा, यदि आप परिश्रम की हद पार कर देते हैं, बिल्कुल सर झुकाकर बारह महीना चाहे बर्फ पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंड पड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जी तोड़ काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो भाग्य आपके आड़े नहीं आता, भाग्य को आपके सामने से हटना पड़ता है, दुर्भाग्य खुद से रास्ता छोड़ देता है और आप बन जाते हैं मालामाल, आप बन जाते हैं करोड़पति। यह भी सबके बस की बात नहीं है, मेहनत करने से भी लोग डरते हैं, डरते भी क्या है, कम ही मेहनत करना चाहते हैं। आप क्या करें, ना हाथों में रेखा में है करोड़पति बनना, ना बर्थ चार्ट में है, और ना आप उस लेवल का मेहनत कर पाएंगे, तब तो आपको एक जादुई पोटली की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए साधारण सा प्रयोग करते हैं। अब स्मार्ट वर्क हो गया ना, फोन स्मार्ट हो गया है, टीवी स्मार्ट हो गई है, मनुष्य भी स्मार्ट हो गए हैं, चलिए वर्क को भी स्मार्ट बनाते हैं। उतनी जितोड़ मेहनत नहीं करते, परंतु परिश्रम करने में कमी ना करें। ऐसा नहीं कि दीदी ने उपाय बता दिया, धन वर्षा पोटली आपने बना ली, अब तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, अब तो वैसे भी धन बरसेगा। नहीं, धन तभी बरसेगा जब आप मेहनत करेंगे। जहां काम चोरी करने लगे, सूर्योदय के बाद आप सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, सुबह सोकर आप जागते हैं और प्रथम खाने पीने की व्यवस्था में लग जाते हैं, कुछ खाने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं, न सूर्य को एक लोटा जल देते हैं, न तुलसी जी को जल देते हैं, फिर तो दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। पुरुष हो चाहे महिला, कोशिश करें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुरुष 30 में से 30 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, महिला जितने दिन सक्षम हो उतने दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुलसी में एक लोटा जल अवश्य पड़े आपके घर में, तभी घर में कोई चाय पानी पिए। सूर्य को जल अवश्य दे, खास करके पुरुष सूर्य को जल अवश्य दे, देखिए सूर्य की भांति किस्मत ना चमक जाए तो कहिए। और सूर्योदय के बाद सभी को बिस्तर से उठाइए, घर का जो मेन गार्जियन है वही डांट कर उठाए सबको, कड़ी आवाज में उठाए, परंतु सूर्यास्त सूर्योदय के बाद कोई कहीं सोया पड़ा ना रहे, बिस्तर बिखरे हुए ना हो, झाड़ू भीगी हुई जगह में फेंकी हुई है, चादर में सब लिपटे हैं, 8 बज गए 9 बज गए, कोई सो रहा है, कोई बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहा है, ना पूजा पाठ का ठिकाना है, ना किसी में फुर्ती है, फिर ऐसे घर में दरिद्रता होती है। खूब मेहनत करने पर भोजन और कपड़े के लिए तो पैसे आ जाते हैं, परंतु सोचिएगा कि भाग्य उदय हो जा रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे कारण होते हैं गरीबी के और वही छोटे छोटे से कारण होते हैं समृद्धि के। तो अब समृद्धि हो चाहिए, मालामाल होना है, करोड़पति होना है, तो इन बुरी आदतों से निकलिए, चलिए परमात्मा का नाम लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, बन जाते हैं करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी अवस्था जरूर बताएं, अपना नाम जरूर लिखें और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यही वो मंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है, जीवन की हर बाधा परेशानियां दूर हो जाती है, सुविधाओं में बदल जाता है जीवन,
समृद्ध हो जाते हैं आप। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। चलिए बनाते हैं छोटी सी पोटली, परंतु धन वर्षा पोटली, अपने घर में रखते हैं, स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। जिन जिन चीजों का प्रयोग मैं बताऊं, वही चीजें इसमें लें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करें यह प्रयोग, प्रथम दिन। ध्यान से सुनिए, एक प्लेट रख दीजिए, पूजा रूम से कोई भी प्लेट ले लीजिए, इसी पर एक लाल रंग का कपड़ा रखिए, उसके ऊपर एक पीला मलमल का कपड़ा रखिए। लाल सूती का कपड़ा होना चाहिए, जो माता लक्ष्मी को हम लोग देते हैं दीपावली में या किसी भी पूजा में, उसके ऊपर पीला मलमल का कपड़ा हो, जो विष्णु भगवान को जिनसे धोती पहनाई जाती है या भगवान विष्णु को जिनसे चादर चढ़ता है, यानी आपको श्री हरि बनाना है, समझ गए। एक लाल कपड़े पर एक पीला कपड़ा रखिए। अपनी मुट्ठी से नाप कर एक मुट्ठी अरवा चावल रखें। एक चुटकी हल्दी पूरे अरवा चावल पर बिखेर दें। एक बूंद जल लें और अरवा चावल को पीला कर लें। हल्दी जो आपने डाली है उसे मल देंगे आप चावल में, चावल पीले हो जाएंगे। एक 5 रुपए का सिक्का लें, चावल के अंदर डाल दें। 2 लौंग ले, साबुत खड़ी, फूल अच्छी हो दोनों लौंग की, चावल के ऊपर गाड़ दें। थोड़ा सा केसर ले, इसी चावल पर डाल दें। 5 बूंद गुलाब जल इसी चावल पर डाल दें। सब इस कपड़े पर डालते जाइए जो कपड़े आपने डाले। अब एक चुटकी हल्दी चावल के ऊपर रख दें। वो हल्दी से तो आपने चावल रंग दिया, अब एक चुटकी हल्दी रख दें। खड़ी हल्दी, ये पाउडर हल्दी ना मिले आप खड़ी हल्दी रख सकते हैं, परंतु 2 पीस बस। इतनी चीजें रखें, कपड़े को पीले धागे से बांध के एक पोटली बना दी। पोटली लाल रंग की तैयार होगी, क्योंकि पीला कपड़ा आपने अंदर रखा था। इस पोटली को माता लक्ष्मी को अर्पण कर दें। जो भी चीजें आपने रखी हो वहीं बैठ जाएं। प्रथम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, एक माला यानी 108 बार। दूसरी बार एक माला ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः का जप करें, और तीसरी बार श्रीम मंत्र का जप करें, एक माला माता लक्ष्मी को, दिव्य मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, सबसे छोटा मंत्र और सबसे अधिक शक्तिशाली। आपने धन को आकर्षित किया, श्री हरि विष्णु को आकर्षित किया और माता लक्ष्मी को बुलाया। ये लगातार आपको 11 दिन करना है, अभिमंत्रित करना है इस पोटली को। जब करने के बाद पोटली माता लक्ष्मी के पास चढ़ी रह जाए, एक दिया घी का अवश्य जले जब आप यह जप करें, तो मन शांत हो, काला कपड़ा ना पहने आप शरीर पर, लाल पीला हरा नीला जो कपड़े पहनने पहने, महिलाएं लाल चुन्नी सर से रख लें, तब इस पोटली को अभिमंत्रित करें और लगातार 11 दिन तक अभिमंत्रित करें। हर 11 दिन में हर दिन एक दिया जलाएंगे आप, पोटली को हाथ नहीं लगाएंगे, वो चढ़ी रहेंगे माता लक्ष्मी के पास, और हर दिन एक एक माला इस तीनों मंत्रों को यानी 3 माला जप करेंगे। 11 दिन हो जाए, जिस दिन 11वें दिन ही इस पोटली को उठाइए, प्रणाम कीजिए, माँ से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना कीजिए और इसे ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मैं क्या कहूँ, पूरे वर्ष रहेगा ये आपकी तिजोरी में। दिवाली का समय है, अभी ही कर लीजिए यह प्रयोग। शुक्ल पक्ष भी आ गया है, शुक्ल पक्ष में करें यह दिव्य प्रयोग, और देखिए मुझे आकर बताइए क्या फर्क दिखा आपकी गरीबी में, क्या फर्क दिखा आपकी कमी में। धन आने के स्रोत बढ़ने लगेंगे, खूब पैसे कमाएंगे आप, हो जाएंगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।